अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्राइड एंड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म पे आज आपके साथ एक खूबसूरत अगेन घर लेके आया हूँ जिसकी लोकेशन DHA लाहौर है। सबसे पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, जितना ही खूबसूरत आज लाहौर का मौसम है, सुहाना मौसम है, इतना ही खूबसूरत आज आपके लिए एक कनाल का फुली फर्निश्ड घर लेके आया हूँ। फ्रंट की बात की जाए तो देख सकते हैं अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन का बनाया हुआ यूरोपियन डिज़ाइन का ये खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे खूबसूरत टाइल्स और देख सकते हैं लाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं तो आउट कोर्ट यार्ड आपको मिल जाता है। इकोनॉमिकल इस घर की प्राइस है, प्राइस मैं आपको भी बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस निगोशिएबल है। तो अगर इस घर में गाड़ियों की कैपेसिटी की बात करें तो 4 से 5 गाड़ियां तो आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। काफ़ी मैसिव साइज का आपको ये घर मिल जाता है। तो चलते हैं घर के अंदर, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड की गई, CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड है, फुली फर्निश्ड डिज़ाइनर ये हाउस है। 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह ने क्या बात है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये हम इसके गैराज में आ चुके हैं, गैराज में देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, यहाँ पे आपको इसका लॉन एरिया मिल जाता है और ये इसका मेन इसका डोर देख सकते हैं। पैनोरामिक व्यू भी आपको इस घर के अंदर मिल जाता है। टोटल 5 बेडरूम्स इस घर में बनाए गए हैं, फुली फर्निश्ड मिल जाते हैं। नहायत ही खूबसूरत इसका किचन भी है और इस घर में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एक इसकी सबसे ज़्यादा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है डबल हाइटेड लॉबी जिस घर के अंदर बनाई गई है। तो चलते हैं जल्दी से इस घर को विजिट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द विजिट। वेलकम टू योर ड्रीम होम इन द हार्ट ऑफ DHA लाहौर। व्यूअर्स, ये हम इसकी लॉबी में आ चुके हैं। लॉबी में सबसे पहले आपने इसकी खूबसूरत टाइल का वर्क देखना है और यहाँ पे देखनी है आपको कंसोल टेबल, और कंसोल टेबल के ऊपर आपने देखना है इसकी डबल हाइटेड लॉबी जिसके अंदर खूबसूरत शैंडलियर यूज़ किया गया है। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे स्टेयरकेस मिलता है जो कनेक्ट कर रहा है ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर के साथ। पहले हम ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलूंगा। तो ये हम इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं, ये इसका खूबसूरत आप ड्राइंग रूम का व्यू कर सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको इसका मुकम्मल व्यू करवाएगा। सामने आपको सीटिंग एरिया दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं हाइटेड में आपको इसका कर्टन्स मिल जाता है, शैंडलियर दे सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है खूबसूरत टाइल वर्क के साथ, ये इसका रग दे सकते हैं। साथ ही आपको 2 सेंटर टेबल मिल जाते हैं। अगेन आपको यहाँ पे इसका सोफ़ा सीटिंग मिल जाता है, काफ़ी स्पेस मिलती है आपको सीटिंग एरिया के लिए। तो थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे आपको आप एज ए इससे टेबल को बुफे टेबल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप कुछ डिशेज यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप 7-star होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, तो ये इसका आप देख सकते हैं 8-seater आपको खूबसूरत इसका डाइनिंग टेबल मिल जाता है जिसके ऊपर आपको मिलती है इसकी शैंडलियर दे सकते हैं। अगर इसके फॉल सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए तो देख सकते हैं एलिगेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। फ्लोर की बात करें तो वुडन फ्लोर इसमें यूज़ किया गया है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ दोबारा इसकी लॉबी में। तो हम चलते हैं इसकी खूबसूरत अगेन लॉबी में, ये हम इसकी लॉबी में आ चुके हैं। लॉबी के साथ ही टीवी लॉन्च में आप आ जाएंगे, डाइनिंग से भी आप इसके टीवी लॉन्च में आ सकते हैं, लॉबी से भी आ सकते हैं। तो लॉबी से आने का मकसद यह है कि आपको इसका प्लान पूरा समझ में आ जाए। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे आपको इसका ड्राइंग रूम, इसका किचन मिल जाता है। तो ये हम इसके किचन में आ चुके हैं। टॉप पे देखेंगे आपको वाइट क्रेयन का वर्क मिल जाता है, इसी तरह आपको खूबसूरत यहाँ पे दे सकते हैं इंपोर्टेड आपको स्मैक कंपनी के यहाँ पे बर्नर्स मिलते हैं, और इसी तरह फेलमिक आपको यहाँ पे इसका हुड मिल जाता है दे सकते हैं। वाइट थीम में आपको यहाँ पे इसकी यूवी शीट का वर्क मिलता है। अगर हैंडल्स की बात की जाए तो पीस कट यहाँ पर आपको हैंडल्स मिलते हैं, और इसी तरह देखेंगे राइसर पर आपको ग्लास का वर्क मिलता है, काफ़ी मैसिव साइज का दे सकते हैं आपको ये किचन मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको इसके सर्विस किचन की भी ऑप्शन मिल जाती है जो मुलाजमों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं आपको अगेन कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मैक्रो बेकिंग ओवन की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे आपको डबल डोर फ्रिज की स्पेस मिल जाती है। तो किचन के सामने आपको यहाँ पे दे सकते हैं इसका सोफ़ा सिटिंग आपको मिलती है लाउंज के अंदर, ये इसका टीवी लाउंज है। सामने आपको विंडो मिल जाती है काफ़ी मैसिव साइज़ की, डॉलेंस के आपको इन्वर्टेड पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलती है मीडिया वॉल, मीडिया वॉल में देखेंगे तो आपको 3D टाइल का वर्क मिलता है। दोनों साइडों पे अगेन आपको लकड़ी के बॉर्डर मिलते हैं जिसमें टाइल कवर किया गया है, मेरे पैर से लग गया है। कंसोल टेबल खूबसूरत दे सकते हैं आप, उसके बैक साइड पर देखेंगे आपको आर्टिफिशियल प्लांट मिल जाता है। CCTV कैमराज पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, इलेक्ट्रिक फेंस भी इस घर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं आपको टाइल का वर्क मिलता है, वुडन पैनल आपको मिलते हैं।
यहाँ पे आपको दो रूम्स मिलते हैं, उससे पहले देख सकते हैं हैंडमेड आपको यहाँ पे इसकी पोर्ट्रेट मिल जाती है। तो अगर इसकी दीवार पे जो पेंट किया गया है वो नोवा पेंट किया गया है, पूरे घर के अंदर वॉलपेपर कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, किया भी गया तो बहुत मिनिमम इसका वो वॉलपेपर यूज़ किया गया है। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम देख सकते हैं, ब्लैक थीम में इसको डिज़ाइन किया गया है, मल्टीपल कलर यूज़ किए गए हैं इस बेडरूम के अंदर। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको खूबसूरत इसका सोफ़ा सीटिंग मिलती है विंडो के साथ, वुडन फ्लोर आपको देखने को मिल जाती है। ये इसकी लेटेस्ट फॉल सीलिंग डिज़ाइन दे सकते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं की, बिल्कुल फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको सिंपल मिलती है। तो वहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा देता है, यहाँ पे आपको इसकी ड्रेसिंग टेबल देखने को मिल जाती है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अटैच बाथरूम में। ये हम इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। कुरान की अगेन आपको वैनिटी मिल जाएगी, वॉल हैंगिंग कमोड दे सकते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको इसका खूबसूरत शावर एरिया। तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका जगुजी टब देखने को मिल जाता है। तो दोनों साइडों पे देख सकते हैं आपको फीचर वॉल दे दी गई है टाइलवर के साथ। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलती आती है इसके इन्वर्टेड वार्डरोब। तो ये इसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम का विजिट था। अब आपको लेके चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। तो ये हम इसके सेकेंड बेडरूम में आ चुके हुए हैं, देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर में बेडरूम इसका मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर वॉलपेपर भी यूज़ किया गया, डिसेंट वॉलपेपर यहाँ पे यूज़ किया गया है, बेड वॉल देख सकते हैं। इसके सामने आपको दो सोफ़ा सीटिंग एरिया मिल जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो आपको विंडो मिल जाती है। तो ये इसका अटैच बाथरूम है। तो जैसे आप अटैच बाथरूम में आते हैं तो एक आपको लेटेस्ट डिज़ाइन की वैनिटी आपको वेलकम करती है। ये देखें, ये इसका LED मिरर ऑन हो गया, कुरान की वैनिटी दे सकते हैं, यहाँ पे मिलता है वॉल हैंगिंग कमोर। और यहाँ पे देखेंगे आपको इसका रेन शावर मिल जाता है, शावर केबिन के फेस में दे सकते हैं। और सामने देखते हैं तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड वार्डरोब दे मिल जाती है और यहाँ पे विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे भी विंडो मिल जाती है, ऊपर आपको इसका एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है। DHA की प्राइम लोकेशन पे इस घर को बनाया गया है। अगर इस घर के प्राइस की बात करें तो 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस लिटिल बिट निगोशिएबल है। ग्राउंड फ्लोर विजिट करने के बाद अब मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। तो अगेन हमको इसकी लॉबी में आना पड़ेगा, या हम इसकी लॉबी में आ चुके हैं। अब आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। तो स्टेयर केस में देख सकते हैं जो इसके केस आपको मिलता है वो वुड में है। अगर ग्लास की बात की जाए तो 12 mm का आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। स्टेयर केस में देख सकते हैं एमरल्ड पर्ल का वर्क किया गया है, साथ आपको वुडन स्टेयर मिल जाती है। अगेन यहाँ पे भी देखते हैं तो आपको नोवा पेंट लगा हुआ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक खूबसूरत पोर्ट्रेट हैंग की गई है। तो अब आप चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको एक मैसिव साइज की विंडो मिल जाती है। तो यहाँ पे भी अगेन एल शेप में आपको एक वॉक थ्रू मिलता है, ये पूरा एक वॉक थ्रू दिया गया है इस कमरे के साथ, सामने टीवी लॉन्च के साथ। ये वाला एरिया आपको मुकम्मल तौर पर डबल हाइटेड लॉबी का व्यू मिलता है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर आ चुके हुए हैं। अगेन बेड वॉल दे सकते हैं, खूबसूरत आपको यहाँ पे बेड लगा हुआ मिल जाएगा, रग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको इसका वुडन फ्लोर, फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो चलते हैं इसके अटैच बाथरूम में। ये हम इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हुए हैं। यहाँ पे आपको लुकिंग मिरर मिलता है, वैनिटी दे सकते हैं, वॉल हैंगिंग कमोड। और यहाँ पे देखेंगे आपको इम्पोर्टो टाइल का वर्क मिल जाता है। ये इसकी इन्वर्टेड वार्डरोब और सेपरेट आपको यहाँ पे इसका शावर केबिन देखने को मिलता है। तो चलते हैं आपको थोड़ा सा एक और मैं विजिट करवाता हूँ इस कमरे के साथ। तो जैसे ही स्टोरेज के लिए भी, और यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको लैदा से आपको इसे आप ऑफिस यूज़ कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। अब आपको लेके चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर। देख सकते हैं 8 फुट हाइट पे आपको इसके खूबसूरत डोर्स मिल जाते हैं। अच्छा, इस घर के अंदर A+ मटेरियल यूज़ किया गया है, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको ग्लास के साथ प्लस वुड के साथ एक इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं ब्लेंडर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड किए गए हैं जो पैशो एरिया में ओपन होते हैं। तो ये हम इसके लिविंग एरिया में आ चुके हुए हैं। इसके अगर लेआउट की बात की जाए तो बड़ा डिसेंट इसका लेआउट दिया गया है। आपको डबल हाइटेड लॉबी भी मिल जाती है, वहाँ सेपरेट एक आपको ऑफिस की स्पेस मिल जाती है और लिविंग एरिया काफ़ी आपको बड़े साइज़ का लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको
किचन के लिए स्पेस ऐसे आज किचन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका शेंडलियर आप दे सकते हैं, खूबसूरत शेंडलियर भी लगाया गया, फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मिलते हैं आपको इसका फोर्थ बेडरूम, ये इसका फोर्थ बेडरूम दे सकते हैं, खूबसूरत बेड वाला आपको मिलती है। यहाँ पे भी वाइट प्लस लाइट गोल्ड में इसका ये बेड लगाया गया है, वॉलपेपर बहुत डिसेंट है। राइट हैंड पे देखेंगे विंडो है जिससे वेंटिलेशन का आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका आप दे सकते हैं लास्ट अटैच बाथरूम है इसका, इस बेडरूम का लुकिंग मिरर मिलता है, चल जाओ। अच्छा ये लुकिंग मिरर दे सकते हैं, यहाँ पे मिलता है शावर एरिया, ये इसका वॉल हैंगिंग कमोड दे सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे मिलती है इसकी इन्वर्टेड वार्डरोब। 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस लिटिल बिट निगोशिएबल है, तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टोर के लिए ऑप्शन भी मिल जाती है। तो ये इसका लास्ट बेडरूम है, टोटल इस घर में आपको 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है, DHA लाहौर इस घर की लोकेशन है। 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है। ये इसका मास्टर और डिसेंट बेडरूम दे सकते हैं, अगेन आपको पूरी वॉल के ऊपर टाइल का वर्क मिलता है, फॉल सीलिंग डिज़ाइन दे सकते हैं, फुल हाइट के साथ आपको यहाँ पे कर्टन की स्पेस मिलती है। तो ये इसका लास्ट अटैच बाथरूम है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको शिप फेस में आपको इसका वैनिटी मिल जाती है, दे सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्टेड आपको सेंट्री की फिटिंग मिलती है, ये इसका जगूजी टाइप दे सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको वॉल हैंगिंग कमोड मिलता है, यहाँ पे आपको शावर एरिया मिल जाता है, ये इसकी फॉल सीलिंग डिज़ाइन दे सकते हैं। एक नाल का ये खूबसूरत घर था जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये घर पसंद आया होगा। सिर्फ 14.5 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस लिटिल बिट निगोशिएबल है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए खूबसूरत अच्छे अच्छे घर लेके आते हैं। इसके अलावा हमारे पास लो बजट हाउसेज भी अवेलेबल हैं DHA बहरिया टाउन में। तो कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़्यादा दीजिएगा, मेरा कैमरामैन विकास को भी। अल्लाह हाफिज़।